बरेली शादी समारोह में डीजे पर डांस करते समय हुए विवाद में नाबालिग युवक ने दूसरे नाबालिग युवक के सिर पर बोतल मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। थाना नवाबगंज के गांव रत्नापुर में फतेह चंद की लड़की की शादी थी। शादी में डीजे लगवाया गया था। राजेश की खाली जगह में डीजे बज रहा था। हरिशंकर का पुत्र 11 वर्षीय कमल डीजे का डांस देख रहा था। थाना भोजीपुरा क्षेत्र का रहने वाला 16 वर्षीय प्रियांशु पुत्र परमेश्वरी डांस कर रहा था। डांस करते समय डीजे पर कमल और प्रियांशु की लड़ाई हो गई। उसके बाद प्रियांशु ने बोतल उठाकर कमल के सिर में दे मारी। कमल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे तो कमल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मेरा नाम सत्यपाल है। आपके कौन थे जी? मेरा मतलब ये नाती था। नाती कैसे खत्म हो गया, क्या हुआ था? ये बारात में गए थे देखने के लिए बच्चे, तो डांस मतलब जो है उस पर डीजे पे हो रहा था, उसी में खींचा था नहीं, इन बच्चों में होगी तो उस बच्चे ने जो है इसके बोतल मार दी। किसने मारी बोतल? भोजपुरा का लड़का है। क्या नाम उसका? नाम तो मुझे नहीं पता। प्रियांशु नाम है। कहाँ मारी? पेट मारी? सिर में मारी तो खुल भी गई थी चोट, और खुलने के बाद में फिर वहाँ से लाए तो टहा ले गए, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर बरेली भी लाए, यहाँ भी मना कर दिया, गए तो वो ख़त्म ही हो गया। ख़त्म हुआ होगा करीब जो है 11 बजे हुआ ख़त्म। 11 बजे पाँचवें में, कक्षा पाँचवें। 12 साल हो गई। 12 11 कमल। कहाँ रहने वाला है? रत्ना का, नवाबगंज। कल थाना नवाबगंज में रात्रि में एक समारोह चल रहा था जिसमें डीजे पे एक 15-16 साल का लड़का डांस कर रहा था। उसी को लेके कुछ विवाद हुआ तो एक व्यक्ति द्वारा उसके सॉस की बोतल, जैसा बता रहे हैं कि सॉस की बोतल सर में मारा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसको हॉस्पिटल किया गया लेकिन हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें FIR पंजीकृत करके जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई करी जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।